औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अचिरेडी नगर कम्युनिटी हॉल के पास में जो सेंटर चल रहा है, इसके अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तमाम सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रास्त निगरानी के अंदर, मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुर पार साहब की निगरानी में, सुपरवाइजिंग में, हम तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खासतौर से नवाब साहब कुंडा डिवीज़न के सुदूर और मोतमदीन मिलकर हमारे नवाब साहब कुंडा डिवीज़न में जो 4 सेंटर्स कायम किए गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से अभया हस्तम प्रजा पालना का जो आज स्कीम, जो स्कीम के तहत 6 बेनिफिशरी के लिए जो आज ये मुहिम चल रही थी, इस मुहिम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सुदूर और मोतमदीन नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर 4 सेंटर के अंदर हमारे सदर बड़ी मेहनत से और अवाम तक का जाकर इस तमाम स्कीमात को समझाकर सेंटर्स तक लेके आकर, और जो है जितने तमाम ये स्कीमात के तहत इस्तेफादा करने का काम किया है, और फार्म जैसे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हर सेंटर के ऊपर एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हेल्प डेस्क लगाया गया था। उस हेल्प डेस्क के अंदर हमारे मजलिस के सुदूर मोतमदीन एक्टिव मेंबर्स, हमारी बस्ती के तालीम याफ्ता लड़कियों को लेकर जो है वहाँ पर तमाम अवानास के लिए फार्म का फिलअप करने का मामला रहें दो, कोई भी मसायल रहें दो, जिराज का मामला रहें दो, उनको सही रास्ते जो है तरीक़ेकार से जो है उनको सेंटर्स तक का फार्म सबमिट कराने तक का काम हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम वर्कर्स ने और सतर मोतमदीन ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में इस जो है 4 सेंटर के अंदर फार्म रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि अगर और कोई भी भूल चुक हो चुकी है तो अगर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से मजीद कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी आवाम को हम जो है इतला देकर जब भी काम कराना करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो कुछ भी स्कीमात गवर्नमेंट निकालती है आवाम तक का जाकर उनको इस्तेफादा करने का तरीक़ाकार करती है, हमारे सुदूर मुतमदीन उनके घरों तक जाकर उनको हर जगह से जो है ये कामों को मुस्तफिद कराने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्कर्स करते हैं। तो बराए मेहरबानी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आइडेंटिटी है, हमारे आवर वर्क हमारी आइडेंटिटी का मामला है, और कई लोग कई ऐसे मसाइल जो घिनौनी चालें चल रहे हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ में, उन लोगों से मैं इंतबाह देना चाहता हूं कि आप लोग नए नए झूठे सच्चे बातें लगाकर हमारे आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को बखूबी वाकिफ है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 2400 घंटे आवाम के बीच में रहकर आवाम का मसाइल का हल कराने का काम करती है। हिंदुस्तान के अंदर वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो आवाम के बीच में हमेशा रहती है। अस्सलामु अलैकुम।